पेरेंट्स मतलब एक सर्टन क्लास ऐसी है जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपने बच्चों को, उनके अगर 8 बेटियां हैं तो वो कहते हैं कि बहुत सारी बच्चियां कॉम्प्रोमाइज भी करती हैं, लेकिन मार कुटाई ये सब तो बर्दाश्त आई डोंट थिंक सो के करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर लड़की को चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, हाँ। पढ़ने से ज्यादा जरूरी, और ये शायद पहली दफा आपको कोई लड़की कह रही होगी कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि लड़की के पास एक स्किल सेट हो। इसीलिए मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जाती हूँ, मैं हर महीने वोकेशनल सेंटर्स औरतों का विजिट करती हूँ। कोई सिलाई सीख रही होती है, कोई खाना पकाना सीख रही होती है, कोई फला सीख रही होती है। आपके पास कोई एक हुनर होना चाहिए कि आपके पास एक बैकअप हो। बेशक आप अगर अच्छा मियाँ हैं और आप चैन से जी रहे हैं और लेडी ऑफ लीजर हैं, गुड फॉर यू, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ स्किल सेट, ऑलवेज हैव अ स्किल सेट, बिकॉज यू नेवर नो कि आप बाप नहीं है आपका और या आपके पास। तो मैं निकलने में प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो बहुत इश्यू होते हैं लाइक नो, माई फादर हैड टू फ्लाई डाउन टू ओमान, पैक माई बैग्स, एंड मुझे याद है मेरे वालिद अगर नहीं आते, वो उस वक्त वो थे नहीं कंट्री में, तो वो आए और उन्होंने बैग मेरा बैग पैक किया और सब कुछ छोड़ के एक सूटकेस लेके मैं एयरपोर्ट पहुंची। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैं ऊपर से नीचे कप कप आ रही थी, रो रही थी कि नो इज हिल किल मी एंड आई कांट गो, आई एम नॉट गोइंग टू गो। लड़की ने पूरी दुनिया देखी हुई है, जो बाहर पड़ी हुई है वो तक इट्स अ मेंटल गेम, राइट, इट्स अ मेंटल गेम। आपकी वो सेल्फ एस्टीम इतना, कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो जाती है दैट I was terrified that he will kill me, and I just my dad had to drag me back. Like imagine karo, I wanted to be there. तो वो एक psychological एक फिर मैंने अपनी खाला से बात किया, और मेरी खाला अब बहुत बड़ी साइकाइट्रिस्ट है न्यूयॉर्क में, वो कजन खाला है, और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आई कॉन्ट बिलीव मेरा इतना हाई आई क्यू है, और मैं कैसे, मैं मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने, मुझे सब शेरनी बोलते हैं और मैं कैसे हो गई ऐसे। तो कहने लगी कि नो इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ स्ट्रांग वुमन, इट्स अबाउट सरप्राइजिंगली जो जहीन लड़कियां होती हैं वही देर से निकलती हैं, वो क्योंकि वो क्वेश्चन करती हैं लॉजिक के, नहीं नहीं अच्छा उसने ये किया था तो शायद मुझे ये करना चाहिए, वो चाहती हैं घर बनाना, वो चाहती हैं मैक्सिमम रहना, तो इट्स नॉट। और उस वक्त जब आपने शादी की थी तो आप ड्रामे भी कर रही थी, पीक था आपका, होस्टिंग भी करती थी, इंटरनेशनली भी लोगों के इंटरव्यू किए थे। सॉरी आप यहाँ बैठे, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे एक अच्छी और खूबसूरत शक्ल नजर आती है मर्द की, कि ये देखो अपनी वाइफ को काम भी करने देते हैं, उसको हेल्प भी करते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं, इजहार भी करते हैं, उनका जिक्र भी करते हैं, इसमें तो ताली होनी चाहिए। हाँ, तो मैं मर्दों को बुरा नहीं कहती, लेकिन ऐसा भी होता है, बुरी औरतें होती हैं, अच्छे मर्द होते हैं, बुरे मर्द होते हैं, लेकिन शुएब भाई ने जैसे पूछा कि थोड़ा पॉजिटिव बताएं फ्री होने का, तो फ्री होने के बहुत पॉजिटिव्स भी हैं और बहुत नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, अगर आपका पार्टनर अच्छा है आपकी जिंदगी जन्नत है, बिल्कुल, और अगर आपका पार्टनर बुरा है तो आपकी जिंदगी दोजख से भी बेहतर। ये तो है, ये तो है।